तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो क्या सब एकदम बढ़िया होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। लिटरली गाइस यार, ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। इससे पहले भी मैंने थोड़े बहुत व्लॉग बनाए हैं, लाइक सेटअप टूर हो गया, ठीक है, होम टूर हो गया, इस टाइप के। बट हाँ, एक्चुअल जो व्लॉग रहेगा ना वो आज का होने वाला है। एंड आज हम फाइनली भाई पीसी बिल्ड करवाने के लिए जा रहे हैं। लिटरली भाई इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं भाई। आज से मैं पीसी गेम्स को प्ले करने वाला हूं। बट हाँ, वहां पे भाई जाना थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा टाइम लगेगा भाई। हम जा रहे हैं दिल्ली नेहरू प्लेस में। एंड साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं भाई लेट हो गया, बिकॉज जो मैंने बोल रखा था कि 31 तारीख को पीसी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको टाइमिंग दिया कि हाँ 2 या 3 को आ जाएगा। बट हाँ भाई, मैं जॉब करता हूँ। आप लोगों का काफी सारा क्वेश्चन भी आ रहे थे कि भाई आप जॉब करते हो या नहीं करते हो। मैं जॉब करता हूँ, बट हाँ वहां से छुट्टी लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, दैट्स व्हाई मुझे छुट्टी नहीं मिली थी। बट हाँ, फाइनली आज मुझे छुट्टी मिल चुकी है। एंड काफी भाई ये भी पूछ रहे थे कि भाई आप कौन सा पीसी बिल्ड करवाने वाले हो, हमको थोड़ा बहुत बता दो कि इसमें क्या कुछ रहेगा। सच बताओ ना तो मुझे भी इतना खास नहीं पता है, मोटा मोटा सा आइडिया मैंने लगा रखा है कि हाँ भाई ये सब कुछ होने वाला है। बट हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे प्राइस के ऊपर, प्राइस के हिसाब से सब कुछ होने वाला है। सो देखेंगे कि एक्चुअल में क्या कुछ सही रहेगा। एंड अभी के टाइम पे मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, एंड साथ साथ में भाई खाना पीना भी हो चुका है। बट अभी मुझे एक छोटा सा काम आ गया है, तो अभी मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने एक्टिवा निकालते हैं जो कि सामने साइड पे खड़ी है। ओके, चाबी मैंने ले लिया है, बट अभी वेट कर रहा हूँ पैसे का, क्योंकि पैसे के बिना भाई मैं क्या करूंगा। सभी देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। दादी जैसे भाई 500 रुपये ले लूंगा, किराया भी निकल जाएगा भाई मेरा। बट हाँ, देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं। 200 रुपये दे दो। 200 कितने? 20। 1 मिनट भाई। आ, 30 रुपये भाई, मैं क्या करूंगा इन 30 रुपये का। चलो अभी मजाक से हटके ना, अभी जल्दी है, चलते हैं, लेट्स गो। ये रही अपनी एक्टिवा। चलो भाई अभी इसको पेलते हुए लेके जाएंगे। बट हाँ, दिक्कत वाली बात ये है कि कल हम पाइप लेके आए थे, जिसकी वजह से ये देखो यहाँ पे पाइप रख रखे थे, एंड इसकी वजह से भाई साहब ये टूट गया। तो अभी इसको भी रिपेयर करवाना है। एंड इसको मैं भाई साहब अभी 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चला सकता, बिकॉज ऑफ इसका भाई इंजन अभी करवाया है। तो लेट्स गो, अब इसको यहाँ से निकालते हैं। टाइम लगेगा, टाइम तो क्या ही लगेगा, चलते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। ओके, सो मैंने यहाँ पे लड्डू तो ले लिए हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनको एक्टिव में डालते हैं, एंड उसके बाद मैं चलता हूँ सीधा एटीएम, बिकॉज ऑफ मुझे थोड़े बहुत पैसे निकालने हैं भाई, आने जाने का किराया भी तो देख रहे हैं ना। सो लेट्स गो। ओके, सो अभी यहाँ से निकलवाते हैं कैश। कितना निकलवाएं, 1 लाख 2 लाख भाई पता नहीं कितने निकलवाएंगे। बट हाँ चलो, अभी यहाँ पे कार्ड को डालते हैं अंदर। लेट्स गो, अभी देखता है, अभी ये बोलना स्टार्ट हो जाएगी। काफी तेज बोलती है भाई वाली मशीन, लिटरली। सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश। अमाउंट कितना डालें यहाँ पे? अभी के लिए तो 2000 ही चाहिए। लेट्स गो, जल्दी से रिसिप्ट नहीं चाहिए भाई, तू जल्दी पैसे निकाल। ला ला ला, गलती से अगर ये भाई सब 20,000 निकाल दे, मजा आ जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। आओ 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 आओ, कम ऑन, अब यार लेट हो रहा है भाई। भाई पैसे निकले ही नहीं, 2000 कट गए हैं बट निकले नहीं, जमा हो गए हैं, अभी दोबारा से प्लस में आ गए हैं। चलो अब यहाँ पे दोबारा निकालते हैं, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसका भी। ओ भाई, फाइनली काफी टाइम के बाद भाई, लिटरली पता नहीं साली मशीन को क्या हो गया था भाई, इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। बट हाँ सही है भाई, चलो अभी इसको निकालते हैं जल्दी से। चलो गाइस यार, अभी जल्दी चलते अपने घर, उसके बाद निकलते हैं सीधा दिल्ली के लिए। लेट्स गो।
गाइस यार अभी देखो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। ये जो हाईवे है ना, यहाँ पे एक न्यू हाईवे बनने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा हाईवे है भाई ये। लिटरली अभी इसको बनने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट चलो गाइस यार अभी देखो मैं घर पे आ चुका हूँ एंड अभी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं एंड अभी उसके बाद निकलते हैं सीधा दिल्ली के लिए। लेट्स गो। ये अपना बैग उठा लेते हैं क्योंकि ये जो कोट है ये मैं बैग में ही रखने वाला हूँ एंड उसके बाद फिर देखते हैं वहाँ से बस पकड़ेंगे। लेट्स गो। चलो राइट गाइस यार अभी देखो हम आ चुके हैं शाहबाद एंड यहाँ पे मैंने पार्किंग में इसको लगा दिया एक्टिवा को एंड यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं। सो अभी हमको ना दूसरी साइड पे जाना है बिकॉज हमको जाना है दिल्ली साइड पे। तो चलिए चलते हैं, अभी पैदल चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, उसके बाद कहीं पे हम पहुंचेंगे भाई उस साइड पे। लेट्स गो भाई। बस तो एकदम मिल जाएगी, धड़ाधड़ बस मिलेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लेट्स गो, जल्दी यहाँ से निकलते हैं भाई। अभी हम सड़क टाप के तो इस साइड पे आ गए हैं। बट गाइस यार यहाँ पे जो सामने आप बस देख रहे हो ना, जो सरकारी बस है वो भाई दिल्ली की थी एंड हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत लापरवाही की एंड उस वाली बस को जाने दिया। हमने सोचा कि भाई और भी बस आ जाएंगी। बट गाइस यार यकीन मानो कि भाई दिल्ली वाली बस तो कोई आ ही नहीं रही थी भाई। एक घंटे से भी ज्यादा हो गया था बट यहाँ पे कोई दिल्ली वाली बस आ ही नहीं रही थी भाई। एंड यहाँ पे भीड़ भी भाई काफी ज्यादा लग चुकी थी एंड इसके बाद काफी टाइम के बाद यहाँ पे भाई सब ये वाली सरकारी बस आई है। ये भी भाई दिल्ली की नहीं थी, कुरुक्षेत्र की थी एंड इसके साथ साथ में भाई पीछे साइड से एक और बस आ रही थी। मैं हो गया था खुश कि हाँ भाई साहब अब बस मिल चुकी है। बट किस्मत इतनी ज़्यादा खराब थी कि भाई ये बस भी दिल्ली की नहीं थी। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा था। तो हमने यहाँ पे आसपास पे पता किया कि हाँ भाई क्या कुछ सीन है। सो यहाँ पे एक माँ जी बात कर रही थी और वो बोल रही थी कि हाँ पीछे साइड पे कोई काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे जाम लगा पड़ा है तो इस वजह से कोई बस नहीं आ रही थी। उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया, हमको फाइनली एक बस मिली गई एंड उसके बाद भाई साहब हमको सीट भी मिल गई थी। मैं मस्त आगे वाली सीट पे बैठा था एंड मुझे बैठना भी आगे ही था बिकॉज वो थोड़े बहुत सीन शूट करने थे भाई। मेरा थोपड़ा देखो भाई, मतलब क्या ही लग रहा हो भाई। मैं मतलब कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। आप बस मजे करो भाई। फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके थे। यहाँ पे उतरते ही भाई मैंने किया अपना कैमरा ओपन एंड उसके बाद भाई साहब मैं यहाँ का सीन जो था वो शूट करने लग गया था। बोलने की हालत नहीं थी बिकॉज भाई इतने सारे लोग, फर्स्ट टाइम तो भाई मैं व्लॉगिंग करने के लिए निकला था भाई। शर्म इतनी आ रही थी, हाथ में फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था। मैंने बेचने की कोशिश की कि हाँ भाई शर्म को बेच के खा जाऊ बट भाई कहाँ भाई, सब किस्मत इतनी खराब। चलो फाइनली हम आ गए थे कश्मीरी गेट पे एंड उसके बाद यहाँ से जाना था अंडरग्राउंड बिकॉज हमको जाना था नेहरू प्लेस में एंड यहाँ से हमको पकड़नी थी मेट्रो। अब मुझे नहीं पता कि मेट्रो यहाँ पे कहाँ पे है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था एंड पापा जी के साथ गया था मैं। तो भाई पापा जी को थोड़ा बहुत ही पता था बट हाँ भाई पूछते पाछते भाई सब लोग चांद तक चले जाते हैं तो हमको तो भाई नेहरू प्लेस पे जाना था। फाइनली हम आ चुके थे इस वाली जगह पे, यहाँ से हमको टिकट लेनी थी एंड उसके बाद भाई हम यहाँ पे अपनी टिकट को स्कैन करके फिर आगे साइड पे जाना था। यहाँ पे आए थोड़ी बहुत लकड़ियाँ, सॉरी मतलब लड़कियाँ थी तो भाई उनको इग्नोर करते हैं भाई, मैं लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गया। फाइनली आज फर्स्ट टाइम मेट्रो के भी दर्शन हो गए एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे सीट कैसे मिली। भाई तुम्हारे भाई के पास टैलेंट बहुत ज्यादा ही है। जैसे ही मेट्रो आई भाई बिल्कुल खाली पड़ी थी एंड हम खड़े थे बिल्कुल ही गेट पे बिकॉज तो हमको डर था कि हम भाई कभी चढ़ ही ना पाए इसमें। एंड जैसे ही हम अंदर आए भाई मुझे ये डर लगने लग रहा था कि मेट्रो हमको ज्यादा ही आगे ना लेके जाए। यार फर्स्ट टाइम था ना तो ऐसी फीलिंग आती है बिकॉज पहले तो हम कभी इसमें चढ़े नहीं। सो चलो अब ये काम करते हैं, चले चलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस यार अभी हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस। काफ़ी टाइम लग गया भाई, लिटरली बता रहा हूँ। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना भाई,
मैं क्या बताऊँ भाई, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस कैसे भी करके बस यहाँ से निकल जाए। अब फाइनली यहाँ से मेट्रो पकड़ी थी एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, अभी पैदल चलना पड़ेगा भाई। आई नो कि आप यही सोच रहे होंगे कि भाई मैं सड़क क्यों दिखा रहा हूँ, भाई सड़क पे ऐसा क्या है भाई, मुझे अपना थोपड़ा दिखाना चाहिए था, बट वही भाई फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ भाई, मैं कभी व्लॉगिंग देखता नहीं भाई इसलिए। खैर छोड़ो, मैं अपनी लोकेशन पे तो आ चुका था एंड गाइस और लिटरली यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी ना भाई, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फाइनली अपनी यहाँ पे एंट्री होती है एंड उसके बाद भाई हम सीधा यहाँ पे काफी इजिली मतलब ऐसे स्वैग मारते हुए ना ऐसे आ रहे थे जैसे हमसे बड़ा यहाँ पे कोई है ही नहीं। फाइनली हम यहाँ पे आते हैं, सामने थी भाई ये भी एक यूट्यूबर है गेमिंग पीसी वाला, तो हम यहीं पे आए थे इनके यूट्यूब चैनल को देख के, बिकॉज मैं भाई सब थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो मतलब बेटर लगा थोड़ा सा मैं आ गया यहाँ पे। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको यहाँ पे क्या कुछ रहा। फाइनली अभी हम यहाँ पे अंकल से बात कर लेते हैं, बिकॉज हमको भाई साहब पीसी बिल्ड करवाना था तो बात करना तो जरूरी था ना, तो अभी यहाँ पे हम अंकल को लेके चलते हैं सामने साइड पे एंड जो भी हमको चाहिए था ना वो मैं यहाँ पे साफ साफ लिखवा देता हूँ। थोड़ी बहुत इनसे नॉलेज ली, थोड़ी बहुत मेरे फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया था कि हाँ भाई मुझे किस टाइप का पीसी बिल्ड करवाना चाहिए, बिकॉज भाई जिनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज थी ना मैंने भाई सब उन सबका नंबर ले रखा था भाई, मतलब पूरी अच्छे तरीके से मैंने तसल्ली की है कि हाँ भाई पीसी बिल्ड करवा रहा हूँ तो एक नंबर होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बट भाई उसमें एक कमी आ ही गई एंड वो कमी क्या थी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सो चलो अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत बात बूत कर लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं अपना जो पीसी का बिल्ड क्या कुछ हुआ। अभी देखो मेरा जो पीसी है वो अच्छे तरीके से बिल्ड हो चुका है एंड इसी के साथ साथ मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाने वाला हूँ। बट गाइस यार आप अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना कि एक्चुअली मैं किसके साथ बात कर रहा था एंड किस बारे में बात कर रहा था, जस्ट ध्यान से सुनो। i5 13400 है, ठीक है जी। 16 GB रैम, हाँ जी। P3 की 1 TB SSD आपकी, ओके। और एक का RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, हाँ जी ठीक है। 12 GB का, ठीक है जी, ओके। चलिए
अगर आपने ध्यान से सुना तो वहाँ पे एक दीदी मुझसे पूछ रही थी कि हाँ तुम्हारा क्या यूट्यूब चैनल है, कितने सब्सक्राइबर है, मतलब ये सब वो पूछ रही थी। एंड भाई मेरा दिमाग खराब हो रखा था भाई, मैं उसको पता है क्या जवाब दे रहा है, 35K। हाँ गेमिंग करता हूँ मैं वो भाई, मैंने उस टाइम पे फोकस नहीं किया था उनकी बातों पे, बट अब बाद में मैंने अच्छे तरीके से उससे बात की थी। एंड वो भी अपने एक पीसी बिल्ड करवाने के लिए आए थे एंड काफी मजा भी आया उनके साथ बात करके। एंड उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज हम काफी ज्यादा ही लेट हो गए थे। एंड आते टाइम पे भाई पता नहीं क्या हो गया, हम भाई रास्ता ही भूल गए थे। एंड फाइनली हमने वहां से बस पकड़ी और ये भाई एसी बस थी। एंड इसमें किराया भाई साहब इतना महंगा, हमारे भाई साहब 590 रुपए एक्स्ट्रा लगे थे बिकॉज जो हम पीसी ले रहे थे ना उसकी भाई प्रॉपर एक टिकट कटी थी। इसके अलावा वहां पे कोई सरकारी बस नहीं थी बिकॉज भाई रात हो चुकी थी तो इसलिए वहां पे कोई बस नहीं मिली और हमको जल्दी आना था, दैट्स व्हाई भाई हम इसी बस में आ गए थे। एंड वहां से हमको थोड़े बहुत गिफ्ट भी मिले थे। फाइनली गाइस सर अभी देखो हम आ चुके हैं शाहबाद, काफी ज्यादा टाइम लग गया लिटरली भाई, आज पूरा दिमाग खराब हो गया। एक तो ट्रैफिक इतना था एंड साथ साथ में वहां पे इतनी भीड़ थी ना भाई, मैं भाई व्लॉग छोड़ो भाई व्लॉग का तो मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि हाँ भाई मुझे व्लॉग भी करना है। बट हाँ अभी भाई आ चुके हैं तो एक काम करते हैं जल्दी सेक पे उठाते हैं जो भी अपना पीसी है उसको रखते हैं एंड फिर चलते हैं घर पे। एंड इसके अनबॉक्सिंग तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि भाई मैं थक गया हूँ भाई, मैं तो जाते ही सो जाऊंगा। सो चलो जल्दी से चलते हैं अपने घर। ओके सो वहाँ पे थोड़े बहुत गिफ्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि हमको वहाँ से गिफ्ट भी मिले थे। एंड ये रहा अपना CPU एंड ये रहा अपना मॉनिटर। तो अभी एक काम करते हैं जल्दी से चलते हैं भाई, ठंड भी हो रही है, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस सर अभी देखो मैं आ चुका अपने घर एंड काफी हार टाइम लग गया। एंड ये रहा अपना PC, तो इसकी अनबॉक्सिंग हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो आज तो नहीं भाई, आज मैं थक गया हूँ, तो अगली वीडियो में देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसमें दिखाएंगे आपको, रिव्यू भी दिखाएंगे कि एक्चुअली में इसमें जो गेम है वो कैसी चलती है, अभी तक मुझे भी नहीं पता बिकॉज ऑफ इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। सो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप सो कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.